Yeah, so hello guys, what's up? आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रोपो गेमिंग एफ एफ पे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D के गेम्स का किट और ये कार सर्वाइवल इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर किट्स को देंगे हमें। तो पहला बाइक स्कूटी का जो है आपको अपने सेलफोन में 4x0 डायल करना है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्टिवा चिप कोड। और उसके बाद हमारा आता है स्प्लेंडर बाइक का जो कि रहेगा 9000। आपको 9000 डायल करना है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे स्प्लेंडर आ जाती है। और थर्ड नंबर का चिप कोड है हमारा पल्सर का जो कि है 1211। डायल करना है, यहाँ पे हमारी पल्सर स्पॉन हो जाती है ऑटोमेटिकली। और फिर मैं आपको KTM बाइक की आता हूँ। KTM बाइक की जो चिट कोड है वो है 1210। यहाँ पे चिट कोड हो गया, यहाँ पे हमारी KTM बाइक आ गई है, देख सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे आती है 1190 डायल करते ही न्यू KTM हमारी, ये क्या एक मिनट, ये 1190 होगा मेरे से 0 हमें डायल करना है। यहाँ पे हमारी KTM स्पॉन हो जाती है जो कि ऑलरेडी हमें दी जाती है। अगर आप नया नया गेम डाउनलोड करोगे या कभी भी ओपन करोगे तो ये आपको मिल जाती है। बाइक है उसका नाम है 42 और 50। हमारी ड्यू 6 नंबर पे आती है, यहाँ पे चिटको डायल करते हैं, यहाँ पे 42, यहाँ पे ड्यू आ गई है। और हमारी 7 नंबर पे जो बाइक है वो है बुलेट 9999। 4x9 टैप करो मोबाइल में, यहाँ पे डायल कर दो, बस आपकी बुलेट स्पॉन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे नंबर फिर से बुलेट के बाद आती है 8 नंबर पे यामाहा का आर्मी। और यामाहा का आर्मी को स्पॉन करने के लिए 0015 टैप करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका आ गया बाइक। उसके बाद आपको 9th नंबर पे हमारा की पल्सर उसका चीज है 5000। और पल्सर बाइक पल्सर RS1 है, यहाँ पे हम डाइक डाल सकते हैं, यहाँ पर पल्सर RS1 आ गई है। उसके बाद हम जो है बाइक है वो है हायक साथ होगा। यहाँ पे हम डायल करते हैं, यहाँ पे हमारी हयाबुसा आ गई है। और यहाँ पे हम 11 नंबर पे हमारा है कावासाकी निंजा H2R का कोड है 3000। यहाँ पे कावासाकी निंजा H2R की है। उसके बाद हमारी आती है घोस्ट राइडर, हम दूर रिस्पॉन करेंगे। मैं इसके बारे में एक नोट बता दूं कि अगर आप घोस्ट राइडर बाइक को दूर ही रखना, नहीं तो ये जब रिस्पॉन होती है तो पूरी बाइक को ख़त्म कर देती है। इसका चिट कोड है 5555। डायल करो हमारे आज की और उसको पास करता तो ये पूरी तबाह मेरी पूरी बाइक ख़त्म कर देती है। तो उसके बाद हमारी आती है 30 नंबर पर वैगनार कार जिसका है जिसको 2222 4x2 करो, यहाँ पे वैगनार का है 4। उसके बाद हमारी आती है वैगनार का के बाद था जिसका है 1990 करो, यहाँ पे रेडल की थार ऑन। उसके बाद थार के बाद हमारी 50 नंबर पे आती है लैम्बोर्गिनी, यहाँ पे मैं लैम्बोर्गिनी का ये हमारी फोन हो गई। उसके बाद लैम्बोर्गिनी के बाद आती है हमारी बुगाटी कार, तो बुगाटी कार फोन फोन करते हैं। बुगाटी कार की जो चिट कोड है वो है 314। यहाँ पे बुगाटी कार फोन हो गई यार। उसके बाद हेलीकॉप्टर का चिट कोड आता है, तो हेलीकॉप्टर का चिट कोड सिंपल है भाई 8000।
आपका चीट कोड है वो 0 यहाँ पे हमारे गेस्ट टैंक आ चुका है। और मैं बता दूँ गेस्ट टैंक के बारे में, इसमें आप पिस्टल लो या कुछ भी गन लो, एम करो गेस्ट टैंक पे और बस मारो। इज्जत बता दो यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कर दिया और यहाँ पे अल्ट्रा सुपर जंप हो गया मेरा। और ये देख कितना ऊपर मैं चला गया और इतना बहुत मेरा एक भी हेल्थ नहीं गया, लेकिन मैं बहुत नीचे चला गया यार। भाई अब क्या होगा, मैं वीडियो कैसे रिकॉर्ड करूँगा अब तो, और चीट कोड कैसे बताऊंगा यार। तो जल्दी जाना रे, तो फ्रैंकलिन को मरने देते हैं और फिर से हम रिस्पॉन हो जाते हैं क्योंकि वो बंदा ख़त्म हो गया। और मुझे स्काई फॉल का भी आपको रीडिंग कोड, अरे रीडिंग कोड मैं क्यों बोल रहा हूँ, चीट कोड बताना है। तो स्काई फॉल का चीट कोड है, बस आपको अपने फ़ोन में डायल करना है, अरे बस आपको डायल करना स्काई फॉल का 1120 स्काई फॉल का है कोड, चीट कोड यहाँ पे कर दी। यहाँ पे स्काई फॉल आ जाएगा भी, आप स्काई से इतना नीचे गिरोगे, इतना नीचे गिरोगे किसी ने सोची ना होगी। तो फिर से हमें रिस्पॉन होना पड़ेगा। स्काई फॉल के बाद स्लो मोशन का चीट कोड है, बताते हैं स्लो मोशन का चीट कोड है आपका 11 12। अभी सॉरी बोल दो यार, फिर से मेरा मिस टाइम हो गया। और उसके बाद हम स्लो मोशन लेवल 1 का स्लो मोशन है, इसको फिर से दबाओगे 11 बार फिर लेवल 2 का बन जाएगा, स्लो मोशन लेवल 2 का हो जाएगा।
उसके बाद आप फिर से दबाओगे 11, 12 को, तो लेवल 3 का हो जाएगा। और ये सबसे 3 सबसे लेट होगा। उसके बाद फिर से दबाओ, अगर फिर से नॉर्मल करना है भाई फिर से दबाओ। ये हमारा बहुत स्लो हो रहा है। फिर से आपको 12, 11 दबाना है। यहाँ पे चीट कोड, यहाँ पे जो है 12, 11 चीट कोड करते ही पल्सर तो स्पॉन होगी, बट 12, 11 से, अरे सॉरी दोस्तों 11, 12 से होता है। तो मैं 11, 12 फिर से करता हूँ। तो मैं 11, 12, 11 ये 12 तो मैंने कर दिया। यहाँ पे शायद नॉर्मल हो जाना चाहिए। यहाँ पे हमारा फिर लेवल 3 तक होता है। हमारा लेवल 3 तक हमारा दोस्तों आपको बता दूँ कि स्लो मोशन करता है। आपको लेवल 3 करने के लिए बस रिडीम को चीट कोड डायल करते रहना है। उसके बाद लास्ट 4th बार आप डायल करोगे जो चीट कोड है वो फिर से असर दिखाएगा और आपका फिर से जो है नॉर्मल हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो